पहले बात की फिलिस्तीन 2016 से मेरे बेटे को उठाया है, सीटीटी वाले ने उठाया बेटा। अब्दुल हफीज उसके साथ था, 3 महीने बाद उसको शो करवाया। अभी तक मेरे बच्चे का कोई पता नहीं है। अब्दुल हफीज भी मुकर गया, उसने बोला कि धमकी दी है सीटीटी वाले कि समीर के बारे में कुछ नहीं बताना। उसके 4 बच्चे बेटे माजूर बच्चे मेरे साथ खड़ी हुई है, मैं इंसाफ मांग रहा हूँ। हुकूमत खुद दहशतगर्दियाँ करते हैं, जवानों पर डाल देते, ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस वाले की तरक्कियाँ नहीं है, ये उनके जवानों के खून लगे हुए उसके कंधों पर नाजायज़। अगर ऐसी पुलिस वाले नौकरियां करेंगे तो वह आम जी नहीं सकेगा। ये छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मुझे इंसाफ चाहिए बेटा, इंसाफ मांग रहा हूँ। आपका बेटा कितने साल का था? ये शादी शुदा है, तकरीबन 30 साल उम्र था उसका, 28-30। और जब 33 तब इसको जो है वो गुम किया गया था। ये 2016 50-10 उसका केस नंबर है। 2016 8वां महीना 8 तारीख आज कैसे इसकी समाप्त हुई ना? जी जी। उसमें क्या तारीख हुई है? उसमें 11 अक्टूबर हुई है। अच्छा जी, बस तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, मगर उसके अभी तक कोई पता नहीं है कि उसका पता तो चले कि कहाँ रखा हुआ है। इसके मुकर है, सीटीटी वाले ने उठाया जिम्मेदार। अब्दुल हफीज और सीटीटी वाले 2000 पहले से जो अफसरान थे वो जिम्मेदार है। अभी जो अफसरान के पास केस आया है, अरिफ साहब अच्छा आदमी है, मैं उसके शुक्रगुजार हूँ, मगर उसने ये बताया कि हाँ मिलेगा, मगर अब तक बताया नहीं कुछ। बेटे का नाम क्या था? समीर खान अफरीदी। और इलाका कौन सा है आपका? ये अभी वो तो उठाया वहाँ से, नेवल से, ये गुलशन उससे नमाइश से, मैं वहाँ रहती थी गुलशन मजदूर पे। अच्छा। अभी मंगोपीर रहती हूँ सुल्तानाबाद। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू।